खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां इंदौर में करोड़ों की ठगी करने वाले कॉमर्स के प्रोफेसर अभय मुंगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने ही स्टूडेंट से 15 करोड़ की ठगी की थी। उसने छात्रों को रुपए दोगुने करने का लालच दिया था, जिस पर स्टूडेंट्स ने आसानी से भरोसा कर करोड़ों रुपए निवेश कर दिए थे। इसके बाद वो फरार हो गया था। इसके बाद ठगे गए स्टूडेंट्स ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। MIG थाना प्रभारी अजय वर्मा के अनुसार 2 साल पहले विजयनगर थाना क्षेत्र में कैपिटल रिसर्च नामक एक फर्जी एडवाइजरी कंपनी खुली थी, जिसमें आरोपी प्रोफेसर अभय मुंगी उम्र 56 वर्ष ने इंदौर सहित आसपास के जिलों के स्कूली छात्रों व कई लोगों से रुपए लगवाए थे, फिर वो फरार हो गया था। हाल ही में पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़वाह में अभय मुंगी परिवार से मिलने आया है, जिसके बाद MIG थाने के पुलिस कर्मियों गोविंद प्रवीण धीरज शर्मा द्वारा 10,000 रुपए के इनामी आरोपी अभय मुंगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभय बड़वाह के सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर है और उसने अपने छात्रों से इस फर्जी एडवाइजरी में रुपए लगवा दिए थे। 2 साल में प्रोफेसर ने लगभग 15 करोड़ रुपए इस कैपिटल रिसर्च कंपनी में लगवा दिए। उधर इस घपले का मुख्य सरगना और फर्जी एडवाइजरी कंपनी का संचालक पंकज खान चंदानी लंबे समय से फरार है। पुलिस उसे अब तक पकड़ नहीं सकी है। कैपिटल कंपनी के संचालक पंकज खान चंदानी ने 2 साल पहले विजयनगर थाना क्षेत्र में एक एडवाइजरी कंपनी खोली थी, जिस पर पुलिस ने छापेमारी की। उस समय पंकज खान चंदानी मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस को बैंक खातों में किसी प्रकार का लेन देन नहीं दिखाई दे रहा था। पुलिस जांच से मालूम चला कि कॉलेज का प्रोफेसर भी इस गिरोह में शामिल है। वह पूरे रुपए को नगद के रूप में पंकज खान चंदानी को देता था। इसी कारण से खातों में कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई दिया। पुलिस के अनुसार फर्जी एडवाइजरी कंपनी में निवेश के लिए अभय मुंगी अपने छात्रों को कॉलेज व कोचिंग क्लास में भी बताता था। वो उन्हें सुनहरे भविष्य के सपने दिखाकर उनसे इस एडवाइजरी कंपनी में रुपए लगवाता था। कुछ समय तक उसने रुपए दोगुने करके छात्रों को दिए तो सभी को लालच आ गया और 2 साल में लगभग 15 करोड़ रुपए अभय मुंगी ने पंकज खान चंदानी को दे दिए। प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि वह लंबे समय से कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर है। बड़वाह में उसकी अच्छी छवि थी, इस कारण से कॉलेज के छात्र मुझ पर भरोसा करते थे, तो कई बच्चे उसे जल्द अच्छा बिजनेस या रुपए कमाने की बात करते थे। इसके बाद प्रोफेसर उन सभी छात्रों की प्रोफाइल देखता था, जिसके पिता व्यापारी अच्छे बिजनेस में या बड़ी नौकरी वाले हैं, उन्हीं बच्चों को वह अपने झांसे में लेता था और फिर उनसे इंदौर की कैपिटल रिसर्च कंपनी में रुपए लगाने को कहता था। इंदौर सहित उज्जैन, देवास व कई इलाकों के छात्र उसके झांसे में इस कारण भी आ गए, क्योंकि वह तय समय पर उन्हें उसके रुपयों का 1.5 या फिर 2 गुना करके वापस देता था। कैपिटल कंपनी के संचालक पंकज खान चंदानी ने 2 साल पहले विजयनगर थाना क्षेत्र में एक एडवाइजरी कंपनी खोली थी। आरोपी द्वारा प्रोफेसर को 10 से 15% कमीशन दिया जाता था, लेकिन पंकज इतना सातिर था कि नगद रुपया लेने के बाद प्रोफेसर को अधिकतम रुपए उसके खाते में देता था। 85/1/2021 दिनांक 3/8/2021 के तहत 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसे आज हमारे यहाँ प्रधान आरक्षक प्रवीण सिंह और आरक्षक गोविंद ने पकड़ा है, राउंड अप किया है इनको बड़वाह से, तो कल इन्हें हम न्यायालय पेश कराएंगे।